युवराज आह्लाद की जय हो। असुर लोक के राजकुमार प्रहलाद पधार रहे हैं, उन्हें आने दो। राताश्री, मैं आपके दर्शन को व्याकुल था भ्राताश्री, मत पूछिए मुझे आज कितना हर्ष हो रहा है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई अनुज। मेरे माता पिता कैसे हैं? आपके माता पिता? मेरे माता पिता कामरूप नरेश विप्रचित्ती और महारानी सिंगिका। वे सकुशल है भ्राताश्री, मैं उन्हीं का पत्र लेकर आपकी सेवा में आया हूँ। क्या लिखा है पत्र में? मुझे कोई ज्ञान नहीं, मुझे पत्र पढ़ने की अनुमति नहीं थी, होती भी तो मैं नहीं पढ़ता। क्यों? किसी का पत्र पढ़ना शिष्टाचार के विरुद्ध है। तो तुम विष्णु के महान भक्त हो क्या? ये भुआशी ने पत्र में लिखा है। हाँ, और मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें हमारे राज्य के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का दर्शन कराया जाए। विष्णु का मंदिर? और आपके राज्य में? क्या आपके राज्य में भी विष्णु के भक्त है? पहले थे, अब नहीं रहे, बस उनका बनाया हुआ मंदिर रह गया है जिसमें तुम्हारे विष्णु की विशाल मूर्ति रखी हुई है। अच्छा। हाँ अनुज, आज तुम विश्राम करो, कल मैं तुम्हें उस मंदिर में भिजवा दूंगा। मेरे विष्णु का मंदिर और उसमें रखी उनकी मूर्ति की बात सुनकर मैं व्याकुल हो उठा हूँ भ्राताश्री, मुझे विलंबना सा आ जाएगा, आप मुझे इसी क्षण वहां ले चलिए। तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। द्वारपाल, मेरे अनुज को इसी समय मंदिर के दर्शन करा दिए जाए। जो आज्ञा युवराज। आपको कोटि कोटि धन्यवाद भ्राताश्री, मैं मंदिर के दर्शन के उपरांत आप ही के पास आ जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। हे विष्णु, हे जनार्दन, हे जगदीश्वर, हे लक्ष्मीपति, अब मेरा तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं। सबने मुझ दुखियारी से मुंह मोड़ लिया है। मन की व्यथा तुमसे ना कहूं तो किससे कहूं? मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ही मेरे ईश्वर हो। मेरे पुत्र की रक्षा करो प्रभु, उसके विश्वास की रक्षा करो। एक दुखियारी माँ की पुकार सुन लो प्रभु, पुकार सुन लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा। हे विश्वेश्वर, आपने सृष्टि में अनेक सुंदर भावनाओं को जन्म दिया है, बहुत से सुंदर नाते बनाए हैं, पर ये ममता की भावना, माता पुत्र का ये नाता पहले ही इतना सुंदर बनाया है कि इसके आगे हर सुंदरता फीकी पड़ जाती है। कवि की कविता इसे शब्दों में बांध नहीं सकती, चित्रकार की कला इसे रंगों में अंकित नहीं कर सकती, कोई शिल्पकार इसे मूर्ति में ढाल नहीं सकता। ममता का क्षेत्र तो आपका है महादेवी,
वो आपका वरदान है। ममता के समक्ष संसार तो क्या, स्वयं मैं भी शीश नवा देता हूं। मुझे तो कयाधु की ममता में भी आप ही का रूप दिखाई दे रहा है महादेवी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो रहा विष्णु का मंदिर। यही वो मंदिर है राजकुमार, जिसके अंदर विष्णु की मूर्ति है। आप भीतर जाइए और जब तक मन करे उसके दर्शन और पूजा कीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का जो कष्ट किया उसके लिए मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ। श्री ने तो कहा था कि ये भगवान विष्णु का मंदिर है, पर ये तो कोई सर्पकुंड और नाग भंडार दिखाई देता है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया वासुदेव? समझ गया, आप मेरे साहस की परीक्षा लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मेरे भ्राता मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अवश्य आप यही हैं, मैं आपको यह भी ढूंढ लूंगा। Vasudevaya.
14 भुवन चाहे बैरी हो, जाको राखे साया मार सके ना कोई, जाको राखे साया मार सके ना को। अच्छा तो आप यहाँ छिपे हुए थे, देखा मैंने आपको ढूंढ लिया ना। आप मुझसे दूर रह ही नहीं सकते और मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राज की आज्ञा का पालन कर दिया गया है। मैंने राजकुमार प्रहलाद को सर्प कुंड के भीतर छोड़कर द्वार बंद कर दिया है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। अब तो समय भी बहुत बीत चुका है। हाँ युवराज, अब तक तो सर्प और असगर राजकुमार प्रहलाद को चट कर चुके होंगे। सर्प और असगरों को आज बहुत दिनों के बाद उनकी मन भावन आहार मिला होगा। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तुम्हें इस कार्य के लिए अवश्य पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद युवराज। मैं अभी किसी दूत को भेजकर माताश्री को यह सूचना देता हूँ कि मैंने उनका कहना मानकर पुत्र धर्म का पालन किया है। महामंत्री को बुलाया जाए। जो आज दिन देवी, देखा आपने महादेवी, देखा विधि का न्याय। आह्लाद ने प्रह्लाद को मारने के लिए सर्प को शस्त्र बनाया था, परंतु वह स्वयं मृत्यु के घर जा पहुंचा। षड्यंत्र कभी नहीं फलता महादेवी, षड्यंत्र कभी नहीं फलता। सिंहिका ने अहंकार को षड्यंत्र का एक अंग बना लिया था और स्वयं आह्लाद उस षड्यंत्र का लक्ष्य बन गया। हाँ कमलनयन, आह्लाद पुत्र प्रह्लाद का भाई था, सगा भाई। परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि एक ही माता की कोख से जन्मे दो पुत्रों के संस्कारों में इतना अंतर था। महादेवी, एक ही डाली पर खिले दो पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली दो बूंदें एक मोती बन जाती है तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। ये सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। प्रह्लाद को देवर्षि नारद की संगत मिली तो वो कुंदन बन गया, और आह्लाद को सिंहिका और विप्रचित्ति की संगत मिली तो वो धूल में मिल गया। आप सत्य कहते हैं सर्वेश्वर, संतान का चरित्र निर्माण बाल्यावस्था में ही होता है। बाल्यावस्था में जो भी विचार मन में बो दिए जाते हैं वो विचार जीवन भर मन से नहीं निकलते। सत्य कहा आपने महादेवी, सत्य कहा। और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। आह्लाद को तो उसके किए का दंड मिल गया, परंतु मैं अपने पुत्र प्रह्लाद को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका मन बहुत ही कोमल और दयालु है। वो अपने भ्राता की मृत्यु का दुख
कैसे सह पाएगा? वो तो उसे देखकर बिलख उठेगा। जब उसे इस बात का ज्ञान होगा तो उस पर न जाने क्या बीतेगी।